बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान के जितने भी डाक खाने हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस हैं, उनके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा से दरख्वास्तें जो है वो देना स्टार्ट हो चुकी हैं। इन नौकरियों के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से काफ़ी तादाद के अंदर असामियाँ, 4000 असामियाँ हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप दरख्वास्त दे सकते हैं, चाहे आप जहाँ से भी हैं। तो इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी, तो फ्रेंड्स आपने डायरेक्टली आना है गूगल पर, या पे सर्च करना है paktih.com। जैसे सर्च करते फर्स्ट नंबर पर ये वेबसाइट मिल जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट डायरेक्टली कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर टू डे जॉब्स अपडेट पे आएंगे तो यहाँ पे टॉप पे ही आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के नाम से ऐड मिलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसमें मिडिल, प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर लेवल के मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका कम्प्लीट एडवर्टाइजिंग पेपर है। एडवर्टाइजिंग पेपर अगर डाउनलोड करना हो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पर ही आपने देखना हो तो यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से जूम इन और यहाँ से आउट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर ये साथ में टोटली पेजेस जो हैं वो दिए गए, टोटली जो है 24 सफ़ों पर मुश्तमिल है ये जो अखबार इश्तहार है, ये 24 सफ़ों पर है। 24 सफ़ों के ऊपर आपको नौकरियों की तफसील मिल जाएगी। अप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पर इसका अप्लाई फॉर्म है, सिंपल सा अप्लाई फॉर्म है। इसको आपने फिलअप करके इन्हें सेंड करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी असामियाँ हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और तमाम जो डिटेल्स हैं मज़ीद वो जान लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट सर्विस की पोस्टें हैं जिसके लिए जो है अप्लाई किया जा सकेगा। ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मेल एंड स्टोरिंग, इसके लिए भी ग्रेजुएशन है। उसके बाद असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट, अपर डिविजनल क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए मैट्रिक, ड्राइवर के लिए प्राइमरी, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर के लिए मिडिल, कारपेंटर के लिए जो सिर्फ जिस बंदे को लिखना आता हो वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद प्लम्बर के लिए काम जानता हो तो अप्लाई कर सकता है। माली के लिए प्राइमरी, सैनिटरी वर्कर के लिए प्राइमरी, नायब कासद के लिए प्राइमरी, सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राइमरी, अटेंडेंट के लिए प्राइमरी तलीम है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर तमाम पोस्टों के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर हर एडवर्टाइजिंग पेपर के ऊपर अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से जो है आपको डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होंगी, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से होंगी, इसलिए ये 24 के 24 जो इश्तहार हैं वो आपने देख लेने हैं। अप्लाई के लिए ये अप्लाई फॉर्म है, इसको आपने सिंपली फ़िलअप करना है। फ़िलअप करके इन्हें बाज़रिया डाक ही आप लोगों ने सेंड करना है। बाकी अप्लाई पर मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। मज़ीद डिटेल्स के लिए इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि ये एडवर्टाइजिंग पेपर भी आप देख सकें और इसके लिए अप्लाई भी कर सकें।